सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एक्सप्रेस को और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी एक्सप्रेस चैनल। अलीगढ़ में एक ऐसा संदिग्ध मामला सामने आया है जिसको देख आप भी दहक जाएंगे। जी हाँ, एक मामला सामने आया है जो घर बैठे ही मौत को बुलावा देता है। जी, रिंकू नाम के व्यक्ति ने शरद गुप्ता नाम के व्यक्ति की संदिग्ध हत्या की है। रिंकू जो कि अतरौली रोड छर्रा गंगीरी में शोरूम है उनका, और शरद गुप्ता उनके साथ पार्टनर है। चूँकि उनके बीच में कुछ ऐसी बात हुई जिसके कारण रिंकू ने शरद गुप्ता को अपने घर बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गोलियों से, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया है और उसके बाद पुलिस ने रिंकू को हिरासत में लिया है। चूँकि पुलिस के हिरासत में होने के बाद उसके परिवार को भी हिरासत में लिया, और साथ ही वहाँ पर पुलिस ने शरद गुप्ता के शव को बरामद किया और उसका पोस्टमार्टम भी करवाया। पोस्टमार्टम के बाद उसके शव को परिवार को सौंप दिया। लेकिन जब परिवार को ये पता चला कि रिंकू के परिवार को छोड़ा जा रहा है, तो उन लोगों ने शव को लाकर सड़क पर हंगामा किया। दामाद जो खत्म हुए हमारे बड़े भाई साहब के हैं, मेरे मैं इनका चचेरा ससुर हूँ। अच्छा। जब हम मथुरा से, हमारे पास फोन गया तो हम मथुरा से यहाँ आए, यहाँ घर पे मालूम पड़ा कि बॉडी थाने में है। तो थाने में ये मालूम पड़ा, हमने पूछा भाई डेड बॉडी तुमने कैसे भेज दी, तो बोले तुम दादू जी के आए हो, ये कराए वो कराए। मैंने कहा साहब सूंघ लो, आप टेस्ट करवा लो मेरा। इतने में तो सीओ साहब ने मेरे थप्पड़ दे दिया गाल पर, इतनी बात हुई है उनसे। और साहब ये बात कहना चाहते हैं, जो भी ये जिसने भी कार्रवाई की है जगह ने, उसको मृत्युदंड मिला, कड़ी से कड़ी सजा। आपका नाम क्या है? नित्यानंद जी, ससुर है। नित्यानंद गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा। मथुरा की मृतक के ससुर हैं आप? आपका परिचय क्या है? लक्ष्मीकांत गुप्ता, मैं लड़की का चाचा हूँ।